हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दोनों ट्रॉज का जो है आज उसका कंपैरिजन करेंगे और कौन सा ट्रॉज सबसे अच्छा है और कौन सा मतलब सबसे वैल्यूएबल है, तो फ्रेंड्स इसको आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस दोनों ट्रॉज के अंदर कंपैरिजन करेंगे और कौन सा ट्रॉज अच्छा है, कौन सा ट्रॉज घटिया है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मत सोचना कि ये स्पॉन्सर वीडियो है। मतलब मुझे जो ट्रॉज अच्छा लगा तो मेरे पास दो ट्रॉज था और ये दो भी मार्केट में मिलता है सबसे कम दाम में, और उसका प्राइस भी बताऊंगा और ये कहां से मैं लिया उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देख सकते हो यहां पर दो जो बॉक्स है, आप देख सकते हो दोनों के दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉपी है। ये कौन किसका कॉपी किया है मुझे कुछ भी पता नहीं है। और ये MZ कंपनी का लाइट है, मैं पहले इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो सबसे पहले इसको जब निकलते हैं तो उसके सबसे पहले हमको यहाँ पर एक USB चार्जर का मतलब केबल मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक वाइट कलर का मिल जाता है और उसके बाद हमको एक ब्लैक कलर का छोटा सा, मतलब इतना छोटा है मतलब इसको आप पकड़ में लेकर जा सकते हो। और ये QC पास भी चीज़ है, देख सकते हो यहाँ पर QC पास लिखा हुआ है। और इतना छोटा है मतलब एक पेंसिल बैटरी जब घर में आप यूज करते हो उसके तरह ही बिल्कुल आ जाता है पकड़ में, अंदर से मतलब अच्छे तरीके से पकड़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरा है क्योंकि ये थोड़ा क्या है कि सस्ता तो है लेकिन क्या है उसके अंदर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है। और उसके बाद आ जाता है हमारा DP लाइट जो कि अच्छा पैकेजिंग के साथ आया है। उसके अंदर बिल्कुल सेम चीज़ था, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक चार्जिंग केबल मिल जाता है USB का। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर भी सेम फॉर्म भरा है, देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि ये बबल रैपर के अंदर आया है जो कि अच्छा बात है। और इसको ना आप एडजस्टेबल कर सकते हो, देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से जैसे कैमरा के अंदर जूम होता है ना, तो बिल्कुल इसके अंदर भी सेम हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये जो MZ का कंपनी का था लेकिन ये नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है पता है, जो MZ का जो लाइट है वो 120 रुपये में मुझे मार्केट में मिला था ऑफलाइन मार्केट से। और जो क्या है कि जो ये जो DP का जो लाइट है वो मुझे 150 रुपये में मिला था ऑफलाइन मार्केट से। तो सेम मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है कि जो DP का जो लाइट है वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा जूम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और ये फोकस बहुत ही अच्छा लाइट देता है, ठीक है। तो ये MZ लाइट है, तो इसको मैं पहले सबसे पहले ऑन करके देखा था। तो देख सकते हो लाइट बिल्कुल सेम है और इसके अंदर 25 वाट का लाइट आ जाता है, इसमें लिखा था डब्बे के अंदर। तो ये जब दूसरी बार इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लिंक करने लग जाता है। तो तीसरी बार क्लिक करूँगा तो उसके साइड में जो लाइट है वो ग्लो करेगा, देख सकते हो। तो साइड वाला लाइट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से रोशनी भी देता है, ये नहीं कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और ये मेटल बॉडी के साथ आता है और ब्लैक कलर में कम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये अच्छा लगा तो मैं बोल दिया, ये कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं है। और ये ऑफलाइन में तो एक कहीं पे 100 रुपये में मिल रहा होगा लेकिन यहाँ पर मुझे 120 रुपये मिला, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो ये उसके बाद आ जाता है हमारा DP लाइट, ये उसका मतलब ये तो 150 रुपये में मिल रहा है, 30 रुपये ज़्यादा ले रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है मुझे ये लगा क्यों। ये भी सेम ब्लैक कलर का ही आता है और मेटल बॉडी के साथ आता है और इसको थोड़ा आप एडजस्टेबल कर सकते हो। और ये मतलब चार्जेबल, दोनों के दोनों चार्जेबल है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और कहीं भी आप गांव में रहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रॉच है क्योंकि आप इसको पकेट में ले सकते हो। स्टूडेंट हो तो ये जब लाइट जाएगा तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो और भी कई कई काम इसको ले सकते हो। कोई गाड़ी वाला है तो रात में कहीं जा रहा है, मान लीजिए कहीं गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो इसको अच्छे से यूज में ले सकता है, ठीक है। कोई ये मतलब वैल्यू ऑफ मनी है, कोई इसमें कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा, ये अच्छा ट्रॉच है ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कभी कभी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाता है, तो देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग होने पर रेड कलर का LED ग्लो करेगा और जब खत्म हो जाए तो यहाँ पर ब्लू कलर का LED ग्लो करेगा। तो फ्रेंड चलिए अब इसको थोड़ा रात में भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हो पहले मैं इसका DP का ट्रॉस लिया हूँ, देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पर लाइट दे रहा है, मतलब अच्छा रोशनी इसका अच्छा है। और यहाँ पर ब्लिंक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसका साइड लाइट, तो ये देख लिया आपने कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये देख सकते हो इसका फोकस है, तो मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत अच्छा फोकस है, मैं आपको तो दिखा चुका हूँ। और ये ब्लिंक भी बहुत अच्छा कर,
तो देख सकते हो यहाँ पर ये MZ का लाइट है, तो उसका मतलब ये जो लाइट है उसका अच्छा फोकस नहीं है, लेकिन डीपी का लाइट बहुत अच्छा फोकस में है। तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना। तो फ्रेंड मिलते हैं नए के टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।